नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो वहीं झारखंड में दूसरे चरण का मतदान होना है। महाराष्ट्र में आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, इसके चलते सभी दल जोर शोर से प्रचार करने में लगे हैं। ऐसे में अगर महाराष्ट्र झारखंड में हो रहे चुनाव और उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव पर सरसरी निगाह डाली जाए तो क्या ऐसा कहीं से लग रहा है कि जनता ने जो दिशा लोकसभा चुनाव में ली थी उसमें कुछ बदलाव हो रहा है, या ये कहें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की जो छवि बनी थी उसमें कोई बदलाव दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे जैसे बेहद नकारात्मक नारे का सहारा लेना पड़ रहा है, फिर ठीक उसी समय संविधान और सामाजिक न्याय पर भी बात क्यों करनी पड़ रही है। इन मुद्दों को विस्तार से समझने की जरूरत है। पहले अगर उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जनता ने भाजपा के आत्मविश्वास को तोड़ दिया था, उसे जोर का झटका मिला था। भाजपा अयोध्या की सीट भी हार गई थी। इसलिए आज अगर उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नज़रिए से देखा जाए तो जनता के मूड में लोकसभा चुनाव से इतर कोई बड़ा बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा, यानी भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने वाली, सामाजिक न्याय को खत्म करने वाली व आरक्षण विरोधी छवि से मुक्ति नहीं पा पाई है, या इसके लिए कोई बड़ा प्रयास करती हुई भी पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी लोकसभा चुनाव के दौर का नैरेटिव ही लगातार बना हुआ है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का संकट भी लगातार बरकरार है। वहीं महाराष्ट्र की जनता की बात करें तो सबसे पहले ये देखना होगा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौर में मुख्य नैरेटिव क्या बना था, फिर देखना होगा कि क्या उसमें कुछ बदलाव आया है। महाराष्ट्र में बीते लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी बेहद ताकतवर होकर उभरा था। कांग्रेस ने अपने गढ़ को दोबारा हासिल कर लिया था। मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे को भारी समर्थन मिला। उसी तरह पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी फिर से ताकतवर होकर उभरी। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है तो मोदी ब्रांड की चमक अभी भी फीकी पड़ी हुई है, यानी ब्रांड मोदी अभी महाराष्ट्र में जीत की गारंटी नहीं है। वहीं झारखंड में पिछले दो चुनावों से लगातार झारखंड के आदिवासी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट हल होने के बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में भी भाजपा आदिवासी बहुल 30 सीटों में से 28 सीटें हार गई। पिछले दो चुनावों से भाजपा के लिए लगभग इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। आज झारखंड में आदिवासियों और भाजपा के बीच कोई सकारात्मक रिश्ता नहीं रह गया है। बिना किसी अपराध के हेमंत सोरेन को जेल भेज देने की भाजपाई रणनीति खुद भाजपा के संकट को कई गुना बढ़ा देने वाली साबित हुई है। एक तरफ तो हेमंत सोरेन के कद में भारी इजाफा हुआ है और दूसरी तरफ उनके जेल में रहने के चलते कल्पना सोरेन की धमाकेदार एंट्री हुई है और देखते ही देखते वह आदिवासी अस्मिता की बड़ी नेता के रूप में तब्दील हो गई हैं। इस तरह के कई नए नए बदलावों का सामना न कर पाने के चलते भी भाजपा और ज़्यादा नफरती राजनीति की ओर बढ़ती जा रही है, जो उसके संकट को और बढ़ाने वाली साबित हो रही है। ऐसे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव, झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव को नफरती अभियानों से पाट दिया गया है, पर यह समझना बेहद ज़रूरी है कि यह आक्रामकता उसकी ताकत का नहीं कमजोरी का प्रदर्शन है। भाजपा जब ताकतवर रहती है तो अपने नफरती मुद्दों को थोड़ा धीमी रफ्तार में रखती है ताकि समाज में उन हिस्सों को भी संबोधित किया जा सके जो उसके साथ अन्य वजहों से जुड़े रहते हैं। इस चुनाव में कठोर हिंदुत्व कितना काम आएगा यह चुनाव परिणामों के आने के बाद पता चलेगा, पर यह तो अभी से साफ है कि भाजपा बेहद बुरे दौर से गुजर रही है और कमजोर आत्मविश्वास के साथ इन चुनावों का सामना कर रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़।